नमस्कार, मैं अनीता और आप देख रहे हैं मून सिटी न्यूज। कटिहार MDM की गड़बड़ी को लेकर छात्र छात्राओं व ग्रामीणों ने किया स्टेट हाईवे 77 जाम। प्रधाना अध्यापक रेणु कुमारी की मनमानी का ग्रामीणों ने लगाया आरोप। कई घंटे तक किया सड़क पर छात्र छात्राओं ने हंगामा। समेली प्रखंड क्षेत्र के मुरादपुर पंचायत के मध्य विद्यालय राजेंद्र पार्क डुमरिया गांव का मामला। कुरसेला थाना पुलिस सदल बल के साथ मौके पर मौजूद। कटिहार समेली प्रखंड क्षेत्र के मुरादपुर पंचायत के मध्य विद्यालय राजेंद्र पार्क डुमरिया गांव में मध्यान्ह भोजन योजना चल रहे विद्यालय में MDM की गड़बड़ी को लेकर छात्र छात्राओं व ग्रामीणों ने कुरसेला फारबिसगंज स्टेट हाईवे 77 मार्ग को जाम कर दिया। जबकि विद्यालय के प्रधाना अध्यापिका रेणु कुमारी की मनमानी से स्थानीय ग्रामीण परेशान है। वहीं विद्यालय के पठन पाठन में अनियमितता के साथ साथ मध्यान्ह भोजन योजना MDM योजनाओं के नाम पर घोटाला किया जा रहा है, जबकि छात्र छात्राओं के उपस्थिति पंजी में गड़बड़ी की जा रही है। स्थानीय ग्रामीणों के कई दिनों से प्रधानाध्यापिका रेणु कुमारी पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं, जबकि छात्र छात्राओं व ग्रामीणों ने कुरसेला फारबिसगंज स्टेट हाईवे 77 मार्ग को कई घंटों तक सड़क हंगामा कर नारेबाजी किया। किस स्कूल में पढ़ती है तुम लोग? क्या नाम हुआ तुम्हारा? रवीना कुमारी। किस क्लास में पढ़ती है? तुम लोग सारा क्यों जाम किया है? क्योंकि अंडा नहीं देता है। अंडा ले दिया बेटा। बोलो। क्या नाम? कौन देते हैं बच्चे को फल? गेट कितना भी खुला रहेगा ना, बच्चा नहीं भागेगा। सब बच्चा रहता है क्योंकि टीचर चेकअप करते हैं सबका। बच्चे तो क्लास में रहते हैं ना, बच्चा भागेगा। क्या नाम है स्कूल का? राजेंद्र मध्य विद्यालय राजेंद्र। आपके लगातार आरोप लग रहा है कि MDM के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, भोजन के साथ, दाल के साथ, और जो मौसमी फल है, अंडा है, क्या कहेंगे इस पर बताइए? चलो